नमस्कार दोस्तों, वेवन विधारियों में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे कलाम सेट के बारे में। कलाम सेट उपग्रह क्या है, ये चर्चा में क्यों है, ठीक है, क्योंकि ये जो टॉपिक है एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी हो, हर जगह ये जो है इक्वल इम्पोर्टेंस रखता है। तो चलिए स्टार्ट करते इसको। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको क्या कहते हैं इसरो, इसरो ने पीएसएलवी C-44, क्या C-44 याद रखिएगा, पीएसएलवी का C-44 द्वारा दो उपग्रह माइक्रोसैट आर तथा एवं कलाम सेट को कक्षा में स्थापित किया गया। किसके द्वारा? पीएसएलवी C-44 द्वारा, ठीक है। किसने स्थापित किया कक्षा में? तो इसरो ने किया, ठीक है। इसरो का नाम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, क्लियर हो गई बात। आगे बढ़ते हैं, यह पीएसएलवी की उत्तम तकनीक को प्रदर्शित करता है, इसकी क्वालिटी को प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि यह सिर्फ दो इंजनों से संलग्न प्रथम प्रक्षेपण था जिसे पीएसएलवी DL-D नाम से संबोधित किया गया। क्या नाम दिया गया? इंपॉर्टेंट है, दो इंजनों से संलग्न था, ठीक है, दो इंजन से जो संलग्न यह पहला जो है प्रक्षेपण था, जिसे क्या नाम दिया गया? इसे पीएसएलवी DL-D नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? पीएसएलवी DL-D नाम से संबोधित किया गया। इस प्रक्षेपण से पीएसएलवी के सामान्य 6 स्तरीय संलग्न इंजनों साइड रॉकेट बूस्टर का विकल्प प्रदान किया गया, मतलब जिसमें 6 स्तरीय जो इंजन लगा करते थे उसकी जगह 2 स्तरीय इंजन से ही काम चल जाएगा। तो ये पहला दो इंजनों वाला ये पहला जो है प्रक्षेपण रहा, बाकी सब में क्या लगते थे? 6 स्तरीय इंजन लगते थे, ठीक है, जो पहले की दुनिया में ज्यादा पेलोड ले जाने में भी सक्षम है, और साथ ही साथ ये ज्यादा पेलोड ले जाने में भी क्या है सक्षम है। 6 थे तब भी कम ज्यादा था, अब 2 में ही क्या जाएगा? ज्यादा जाएगा, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर इसका जो है पीडीएफ चाहिए तो निश्चित तौर पर आप हमें जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर 9452936338 पे अपना नाम और जगह का नाम जो है भेजिए, हम आपको पीडीएफ जल्द से जल्द प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ चलते हैं, कलाम सेट के बारे में जानते हैं। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, कहां से? श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से कलाम सेट V2 को लॉन्च किया गया। कहां से लॉन्च किया गया? V2 से जो है इसे लॉन्च किया गया। दुनिया का सबसे छोटा सैटेलाइट है, क्या है ये? दुनिया की सबसे छोटा सैटेलाइट है और सबसे हल्का संचार उपग्रह है। छोटा सैटेलाइट है, साथ ही साथ क्या है ये बहुत हल्का भी सैटेलाइट है। कलाम सेट सैटेलाइट का नामकरण पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन APG अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। तो हमारे पहले जो है पूर्व राष्ट्रपति रहे APG अब्दुल कलाम, उनके नाम पे जो है रखा गया है इसका नाम कलाम सेट, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, क्लियर हो गई बात। अब बात करते हैं इसकी जो है इस कलाम सेट के बारे में। तो इसका वजन कितना है? 1.26 किलोग्राम है। कितना है? 1.26 किलोग्राम है। अब इसको जो है बनाया किसने है? तो इसे चेन्नई के छात्रों के एक समूह ने बनाया है, उनका नाम है समूह का स्पेस किड्स इंडिया। इंपॉर्टेंट है ये नाम, जान लीजिएगा, स्पेस किड्स इंडिया जिसने इसको बनाया है। वजन कितना है? 1.26। कलाम जो है ये जो कलाम सेट है उपग्रह, इसको बनाया है चेन्नई के छात्रों के एक समूह ने, जिस समूह को कहा जाता है स्पेस किड्स इंडिया नाम दिया गया है, ठीक है। स्पेस किड्स इंडिया स्पेस एजुकेशन फर्म के क्षेत्र में एक स्टार्टअप कंपनी है, ठीक है। ये क्या है? एक स्टार्टअप कंपनी। स्टार्टअप कंपनी सुना होगा ना, जो शुरुआती कंपनी, नई कंपनी कह सकते हैं कॉमन लैंग्वेज में, लेमैन के लैंग्वेज में। तो चलिए समझते हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों के लिए नवीन अवधारणाओं को विकसित करने के लिए समर्पित है, नए नए कंसेप्ट को डेवलप करने का ये प्रयास करता है ये ऑर्गेनाइजेशन स्पेस किड्स इंडिया, ठीक है। इन छात्रों को स्पेस किड्स इंडिया नाम इसरो के चेयरमैन, किसने नाम दिया था इसको स्पेस किड्स इंडिया नाम किसने दिया? इसरो के चेयरमैन डॉक्टर सिवन ने दिया। क्या नाम था? डॉक्टर सिवन ने दिया इनको नाम। ये क्या है? चेयरमैन, ठीक है, किसके? इसरो के,
ठीक है, इसरो क्या है, भारत की स्पेस एजेंसी है। अब आगे बढ़ चलते हैं, इसके उपयोग की बात करते हैं। तो कलाम सेट सेटेलाइट को हैम रेडियो ट्रांसमिशन, ध्यान दीजिएगा हैम, ठीक है, हैम रेडियो ट्रांसमिशन, जिसको शौकिया रेडियो ट्रांसमिशन भी बोला जाता है, हैम रेडियो ट्रांसमिशन कहिए या शौकिया रेडियो ट्रांसमिशन कहिए, कि कम्युनिकेशन सेटेलाइट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? कम्युनिकेशन सेटेलाइट के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कलाम सेट सेटेलाइट के को कैसे यूज किया जा सकता है? कलाम सेट को हैम रेडियो ट्रांसमिशन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। हैम रेडियो ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है? तो हैम रेडियो ट्रांसमिशन का मतलब होता है वायरलेस कम्युनिकेशन के रूप, ठीक है, क्या वायरलेस कम्युनिकेशन के उस रूप से है जिसका इस्तेमाल पेशेवर गतिविधियों में नहीं किया जाता। मतलब कलाम सेट जो है वो हैम रेडियो ट्रांसमिशन है। ये हैम रेडियो ट्रांसमिशन में होता क्या है, जो नॉन पेशेवर, मतलब जो पेशेवर नहीं है, प्रोफेशनलिस्ट नहीं है, प्रोफेशनल लोग नहीं है, उनके द्वारा इसका इस्तेमाल किया जा सके उसके लिए बनाया गया है। तो इसका इस्तेमाल पेशेवर गतिविधियों में नहीं होगा, पेशेवर व्यक्ति इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऐसे शौकिया रेडियो ट्रांसमिशन के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है, इसलिए हैम रेडियो ट्रांसमिशन को कहा जाता है शौकिया रेडियो ट्रांसमिशन। आगे बढ़ चलते हैं। पिछले वर्ष एक अन्य भारतीय छात्र ने ही इसमें, मतलब इससे भी हल्का, क्या इससे भी हल्का उपग्रह बनाया था। उसका वजन सिर्फ 64 ग्राम था। कितना था? सिर्फ 64 ग्राम था। मतलब पिछले वर्ष भी ऐसा ही प्रयास किया गया और वो भी बहुत हल्का था, जैसे 1.26 इसका वजन है, ठीक है, जबकि उसका सिर्फ 64 ग्राम था। इस उपग्रह को नासा ने 4 घंटे की मिशन पर सब ऑप्टिकल फ्लाइट पर भेजा था, ठीक है, इसको 4 घंटे के मिशन पर सब ऑप्टिकल फ्लाइट पर भेजा था, लेकिन सब ऑप्टिकल फ्लाइट जो फ्लाइट था उसके दौरान ही उपग्रह अंतरिक्ष में पहुंचता है पर पृथ्वी की कक्षा में नहीं जाता है। मतलब इसको बनाया तो गया था, 64 ग्राम का, उससे हल्का भी था, इसको जो है नासा ने यूज भी किया, सब ऑप्टिकल फ्लाइट पर भेजा भी इसको, लेकिन यह उपग्रह अंतरिक्ष में पहुंचता है लेकिन कक्षा में नहीं जाता। जो पृथ्वी की कक्षा है जहां इसको मूव करना था वहां ये नहीं जाता है, ठीक है। आगे समझते हैं। इस प्रक्षेपण के साथ भारत सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण प्रयोगों, मतलब माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं, माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण प्रयोगों के लिए एक कच्ची मंच के रूप में अंतरिक्ष रॉकेट के चौथे चरण का उपयोग करने वाला पहला देश बन गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कच्ची मंच के रूप में अंतरिक्ष रॉकेट के चौथे चरण का उपयोग करने वाला, किस चरण का? चौथे चरण का उपयोग करने वाला पहला देश बन गया। रॉकेट का अंतिम यानी चतुर्थ चरण किसी उपग्रह को उचित गंतव्य तक पहुंचाने के बाद सामान्य रूप से मलबे में बदल जाता है, ठीक है, डेब्री में बदल जाता है। अब अंतरिक्ष में प्रयोग करने की इच्छुक एजेंसी चौथे चरण का उपयोग तब कर सकती है जब तक कि वह प्राकृतिक रूप से विघटित ना हो जाए। मतलब वहां मलबा कूड़ा अंतरिक्ष में ना भर जाए, ठीक है, बल्कि वो डिस्ट्रॉय हो सकेगा नेचुरली, तभी यूज किया जा सकता है। रॉकेट का चौथा चरण 6 महीने से लेकर के 1 साल तक अंतरिक्ष में परिक्रमा करता रहेगा। मतलब इसका जो मलबा होगा वो परिक्रमा कब से कब तक? 1 साल से लेकर के जो है 6 महीने से लेकर 1 साल तक करता रहेगा। ये तो थी कुछ जो है जानकारी कलाम सेट से संबंधित, कलाम सेट उपग्रह से संबंधित। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ और अपने फ्रेंड तक पहुंचाइए, जिससे आपका ये चैनल वेवन विद हरि ओम सबके लोगों तक पहुंच बनाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच बनाए और इसको प्रसिद्धि मिले, साथ ही साथ आपको अपनी सफलता मिल सके, आपके मित्र को सफलता मिल सके। तो और आपको फिर से बताना चाहूँगा, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9452936338। आप वहां जाके अपना नाम और पता वहां पे लिख के भेजिएगा, हम आपको जो है जल्द से जल्द आपको जो है प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बगल में बने हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट जितने भी टॉपिक हैं वो सब आपको बहुत जल्दी यहाँ पर दिए जाएंगे।
ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।